प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने की साजिश को लेकर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने CCTV और वीडियो फुटेज के आधार पर समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। एक गाड़ी भी इसमें बरामद की गई है। PM की रैली के ठीक पहले कानपुर के नो बस्ता में ऑल्टो कार में जमकर तोड़फोड़ की गई थी और पुतला दहन भी हुआ था। तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो रैली से ठीक पहले वायरल हो गया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ 147, 148, 153 ए, 336, 427, 435, 341, 34, 500, 505, 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। FIR में लिखा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि 8 से 10 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा BJP कार्यकर्ताओं की सफेद गाड़ी पर पथराव किया गया। प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर आगजनी की गई। वीडियो वायरल को देखने के पश्चात थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। पूछताछ में पता चला कि 8 से 10 लड़कों ने, जो लाल टोपी पहने हुए थे, मोदी का पुतला दहन किया और एक सफेद रंग की अल्टो कार पर पत्थरबाजी की गई। उनके द्वारा कई बार मुख्य मार्ग बाधित कर नारेबाजी भी की गई, जिससे आम जन के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया था और इस दौरान अफरा तफरी मच गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने और कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत करने के लिए कानपुर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने कानपुर नगर के रेलवे ग्राउंड निराला नगर में आयोजित समारोह में 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम खंड की शुरुआत की थी। नौबस्ता थाने इलाके में कल की हुई घटना के संदर्भ में कानपुर पुलिस ने अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ाई है और इस संबंध में हमने जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। ये हैं सुकांत शर्मा और दूसरे हैं सचिन केशरवानी, तीसरे हैं अभिषेक रावत और चौथे हैं निकेश कुमार। इन 4 की गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है। बाकी अन्य 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और शीघ्र ही हम इस पूरी घटना का जो भी इससे संबंधित लोग हैं उन्हें हम गिरफ्तार करके आगे की जो विधिक कार्यवाही है उसे हम करेंगे।